हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द इंग्लिश एकेडमी। आज हम क्लास 11th इंग्लिश की स्नैपशॉट्स बुक का नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, दैट इज़ चैप्टर 5 मदर्स डे, रिटन बाय J.B. प्रीस्टली। तो हमने इस चैप्टर को पार्ट्स में डिवाइड किया है एंड यहाँ पर आज हम इसका पार्ट 1 करेंगे। अब ये जो चैप्टर, ये स्टोरी एक प्ले है, प्ले में अलग अलग कैरेक्टर्स हैं और बेसिकली ये जो प्ले है ये रिवॉल्व होता है एक मदर के अराउंड जिसका नाम है मिसेज एनी पियर्सन। तो वो जब अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाती है अपनी फैमिली के सामने, तो उसकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है, यही सब इस प्ले में हमें देखने को मिलता है। सो लेट अस बिगिन विद दिस चैप्टर, वील रीड इट, आई एक्सप्लेन इट टू यू एंड वील डिस्कस द डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स ऑल्सो। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है, द फॉलोइंग प्ले इज़ अ ह्यूमरस पोर्ट्रेयल ऑफ द स्टेटस ऑफ द मदर इन अ फैमिली। लेट्स रीड ऑन टू सी हाउ मिसेस पियर्सन्स फैमिली रिएक्ट्स व्हेन शी ट्राइज टू स्टैंड अप फॉर हर ओन राइट्स। तो जैसा मैंने आपको बताया, ये कहानी मिसेस पियर्सन के अराउंड रिवॉल्व करती है। वो अपनी फैमिली में यानी कि अपने हस्बैंड और बच्चों से अपना स्टेटस मांगती है, यानी कि वो कहती है कि उसके भी कुछ राइट्स हैं, उसकी भी कोई मर्जी है और उसे भी रेस्ट करने का और अपनी विश के अकॉर्डिंगली करने का हक है। तो जब वो अपने इन राइट्स के लिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाती है, तो उसकी फैमिली कैसे रिएक्ट करती है, यही हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा। नाउ द कैरेक्टर्स इन दिस प्ले आर मिसेज एनी पियर्सन, देन जॉर्ज पियर्सन, ये एनी पियर्सन के हस्बैंड हैं, देन देयर इज़ डॉरिस पियर्सन जो इनकी डॉटर है, सिरिल पियर्सन इनका सन है, एंड मिसेस फिट्ज़जेराल्ड, शी इज़ अ फॉर्चून टेलर, और वो मिसेस पियर्सन को विजिट करती हैं और उन्हें गाइड करती हैं उनके राइट्स के लिए। तो सबसे पहले हमें सीन पता लगता है, सीन कहाँ का है, द एक्शन टेक्स प्लेस इन द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन्स हाउस इन अ लंदन सबर्ब एंड द टाइम इज़ द प्रेजेंट। तो जो सीन है वो पियर्सन्स के घर के लिविंग रूम का है, द लिविंग रूम ऑफ द पियर्सन फैमिली, आफ्टरनून, इट इज़ अ कंफर्टेबल फर्निश्ड मच लिव्ड इन रूम इन अ स्मॉल सबर्बन सेमी डिटैच्ड विला। तो जैसे कि हर प्ले में होता है हमें सेटिंग बताई जाती है, यहाँ पर भी सेटिंग बताई जा रही है कि जो सीन है, जो स्टेज पे दिखाया जाएगा वो किस टाइप का है, वो एक लिविंग रूम है जो पियर्सन्स के घर का लिविंग रूम है, दोपहर का टाइम है और ये जो लिविंग रूम है ये अंदर से दिखने में कैसा है, इट इज़ मच लिव्ड इन। मच लिव्ड इन मीन्स सारी जो चीज़ें हैं वो काफ़ी यूज्ड हैं और पुरानी हैं और ऐसा लग रहा है कि वो काफ़ी लिव्ड इन है, यानी काफ़ी हद तक यूज़ की हुई है। और ये जो घर है ये एक विला टाइप का घर है और जो एरिया है वो सबर्बन एरिया है जहाँ पर ये लोकेटेड है। इफ़ नेसेसरी ओनली वन डोर नीड बी यूज्ड, बट इट इज़ बेटर विद टू, वन अप लेफ्ट लीडिंग टू द फ्रंट डोर एंड द स्टेयर्स एंड द अदर इन द राइट वॉल लीडिंग टू द किचन एंड द बैक डोर। अब ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये इसलिए दी हुई हैं कि अगर आप इस प्ले को स्टेज करना चाहते हैं, यानी कि स्टेज पर इनेक्ट करना चाहते हैं, तो आप इस तरह से सारी चीज़ें सेट करेंगे, उसी तरह से डोर्स यूज़ करेंगे जिस तरह से यहाँ पर बताए गए हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनका ये जो लिविंग रूम है इसमें एक ही दरवाज़े की ज़रूरत है, लेकिन अगर दो दरवाज़े होंगे तो और भी बेटर है। तो दो दरवाज़े होंगे, एक तो होगा लेफ़्ट साइड को जाता हुआ जो फ्रंट डोर होगा एंड सीढ़ियों को भी जाएगा, एंड जो दूसरा दरवाज़ा है वो राइट साइड की वॉल में होगा जो किचन को जाएगा और बाहर के जो बैक डोर है वहाँ को जाएगा। तो इस तरह से सारा जो डिस्प्ले है उनके घर का, सारा जो आर्किटेक्चरल सेटिंग है वो हमें बताई जा रही है। दे कैन बी अ मसलिन कवर्ड विंडो इन द लेफ्ट वॉल एंड पॉसिबली वन इन द राइट वॉल टू। अब ये बताया जा रहा है कि विंडोज़ किस तरह से होनी चाहिए, एक लेफ़्ट वॉल में और अगर पॉसिबल है तो राइट वॉल में भी एक विंडो होनी चाहिए और उनके ऊपर एक मसलिन यानी कि थिन कॉटन का कर्टन होना चाहिए, थिन कॉटन फैब्रिक जिसे मसलिन कहते हैं उसका कर्टन होना चाहिए इन विंडोज़ पर। द फायर प्लेस इज़ अज्यूम टू बी इन द फोर्थ वॉल। तो जो फोर्थ वॉल है यानी कि जो ऑडियंस की तरफ वॉल है जो एक्चुअली नहीं दिखाई जाएगी, ऐसा अज्यूम किया जाएगा कि फायर प्लेस उस वॉल में है। There is a settee upright, an armchair down left and one down right. A small table with two chairs on either side of it stands at the center. Now, settee is a small stool.
तो ऐसा एक राइट साइड पर स्टूल रखा जाएगा, एक आर्म चेयर रखी जाएगी लेफ्ट साइड पर, और एक राइट साइड पर एक छोटा सा टेबल रखा जाएगा जिसकी दोनों तरफ चेयर्स होंगी और उसे सेंटर में रखा जाएगा। तो इस तरह से इस लिविंग रूम की सेटिंग की जाएगी। When the curtain rises, it is an afternoon in early autumn and the stage can be well lit. तो अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दी जा रही है कि जब कर्टन रेज होगा तो स्टेज कैसा होगा, इट शुड बी वेल लिट, यानी कि बहुत सारी लाइटिंग होनी चाहिए, क्योंकि जो टाइम दिखाया जा रहा है वो है आफ्टरनून का टाइम, दोपहर का टाइम, और सीज़न है अर्ली ऑटम, यानी कि ऑटम सीज़न की शुरुआत है। तो स्टेज के ऊपर बहुत सारी लाइट होनी चाहिए क्योंकि डे टाइम दिखाया जा रहा है। मिसेस पियर्सन एट राइट एंड मिसेस फ्रिट्ज जेराल्ड एट लेफ्ट आर सिटिंग ऑपोजिट ईच अदर एट द स्मॉल टेबल ऑन विच आर टू टी कप्स एंड सॉसर्स एंड द कार्ड्स विद विच मिसेस फ्रिट्ज जेराल्ड हैज़ बीन टेलिंग मिसेस पियर्सन्स फॉर्च्यून। अब ये दोनों लेडीज मिसेस पियर्सन राइट साइड पर और मिसेस फ्रिट्ज जेराल्ड लेफ्ट साइड पर इस टेबल पर बैठी हुई हैं, और इस टेबल के ऊपर दो चाय के कप हैं, प्लेट्स हैं और फॉर्च्यून कार्ड्स पड़े हुए हैं। फॉर्च्यून कार्ड से मिसेस फिट्जेराल्ड मिसेस पियर्सन का फ्यूचर, उनका फॉर्च्यून रीड करके उन्हें बता रही हैं। सो शी इज़ अ फॉर्च्यून टेलर एंड शी इज़ टेलिंग द फॉर्च्यून ऑफ मिसेस पियर्सन। मिसेस पियर्सन इज़ अ प्लेजेंट बट वरिड लुकिंग वुमन इन हर 40s। मिसेस फिट्जेराल्ड इज ओल्डर, हैवियर एंड अ स्ट्रॉन्ग एंड सिनिस्टर पर्सनैलिटी। शी इज़ स्मोकिंग। सिनिस्टर मीन्स हैविंग ईवल क्वालिटीज़। अब मिसेस पियर्सन एक बहुत ही प्लेजेंट वुमन है, लेकिन उसकी शक्ल में थोड़ी वरी और चिंता देखने को मिलती है। शी इज़ इन हर 40s, उनकी एज 40 के अराउंड है। मिसेस फिट्जेराल्ड उनसे थोड़ी बूढ़ी है, देखने में थोड़ी हैवी बिल्टअप है और स्ट्रॉन्ग भी है, और साथ ही साथ उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी ईवल टाइप की है, और साथ में वो स्मोक कर रही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीज टू शुड हैव शार्पली कॉन्ट्रास्टिंग वॉइसेस। Mrs. Pearson speaking in a light, flurried sort of tone with a touch of suburban cockney perhaps, and Mrs. Fitzgerald with a deep voice rather Irish perhaps. तो अब यहाँ पे हमें फर्दर बताया जा रहा है कि जो कैरेक्टर्स हैं मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जेराल्ड, उन दोनों की पर्सनालिटीज कॉन्ट्रास्टिंग है, यानी कि एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, और उनकी आवाज़ें भी बिल्कुल अलग हैं। मिसेस पियर्सन की आवाज़ बहुत ही लाइट और फ्लरिड सॉर्ट ऑफ टोन है, और उनका जो एक्सेंट है वो ईस्ट लंदन, कॉकनी इज़ द एक्सेंट ऑफ पीपल हु बिलोंग टू ईस्ट लंदन, तो उस एरिया का एक्सेंट है। और मिसेस फिट्जेराल्ड की आवाज़ बहुत ही डीप है, थोड़ी हार्श है, और उनका एक्सेंट आयरिश है। अब उनकी बातचीत शुरू हो जाती है। मिसेस फिट्जेराल्ड collecting up the cards, and that's all I can tell you, Mrs. Pearson. Could be a good fortune, could be a bad one, all depends on yourself now. Make up your mind, and there it is. तो Mrs. Fitzgerald अपने fortune cards को इकट्ठा कर रही है, और वो Mrs. Pearson को कहती है कि मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ, हो सकता है आपकी fortune अच्छी हो सकता है बुरी हो, लेकिन ये आप पर depend करता है, इसलिए अब आपको फैसला करना पड़ेगा। Mrs. Pearson says, yes, thank you, Mrs. Fitzgerald. I'm much obliged, I'm sure. It's wonderful having a real fortune teller living next door. Did you learn that out east too? So here we come to know that Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald are neighbors. इसलिए वो कहती है कि अच्छा है कि एक fortune teller next door में रहती है, यानी कि वो मेरी पड़ोसन है। और Mrs. Pearson मिसेस फिट्जेराल्ड को थैंक्स कहती है कि आपने मेरा फॉर्च्यून प्रिडिक्ट किया, ये बहुत ही अच्छी बात है। और फिर वो उनसे पूछती है कि क्या आपने फॉर्च्यून टेलिंग भी ईस्ट में ही सीखी थी। मिसेस फिट्जेराल्ड, आई डिड 12 ईयर्स आई हैड ऑफ इट विद माय ओल्ड मैन राइजिंग टू बी ल्यूटेनेंट क्वार्टर मास्टर। ही लर्न अ लॉट एंड आई लर्न अ लॉट मोर। मिसेस फिट्जेराल्ड कहती है कि हाँ, मैंने ईस्ट में ही फॉर्च्यून टेलिंग सीखी थी, मैं 12 साल वहाँ पर रही थी अपने हस्बैंड के साथ। माई ओल्ड मैन हियर मीन्स हर हस्बैंड, और वो कहती है कि वो अपने रैंक्स में राइज करता हुआ ल्यूटेनेंट क्वार्टर मास्टर बन गया, और उसने बहुत कुछ सीखा, और फिर वो कहती है कि उसने लेडी ने उससे भी ज़्यादा सीखा व्हेन दे वर एट दैट पोस्टिंग।
But will you make up your mind now, Mrs. Pearson, dear? Put your foot down once and for all and be the mistress of your own house and the boss of your own family. Now, put your foot down means be firm on your decision. Mrs. Fitzgerald, Mrs. Pearson को कहती है कि आपको अपने decision पर firm रहना पड़ेगा, अगर आपकी family oppose करती है तो भी, क्योंकि आप इस family की, इस घर की mistress हैं और आप इस घर की boss हैं, इसीलिए आपको अपना decision firm रहकर implement करना पड़ेगा. Mrs. Pearson is smiling apologetically. That's easier said than done. Besides, I'm so fond of them, even if they are so thoughtless and selfish. They don't mean to be. अब Mrs. Pearson apologetically, यानी कि she is feeling sorry and she is smiling. तो वो कहती है कि ये बोलने में आसान है लेकिन करना इतना आसान नहीं है. फिर वो कहती है कि मुझे अपनी फैमिली बहुत अच्छी लगती है, चाहे वो थॉटलेस हैं, सेल्फिश हैं, वो मेरे बारे में कुछ नहीं सोचते, अपने बारे में सोचते हैं, लेकिन वो ऐसा मीन नहीं करते. और वो कुछ बोल रही होती है जब मिसेस फिट्जेराल्ड उसे इंटरप्ट करती है. मिसेस फिट्जेराल्ड कटिंग इन, कटिंग इन मीन्स इंटरप्टिंग. मे बी नॉट, बट इट वुड बी बेटर फॉर देम इफ दे लर्न टू ट्रीट यू प्रॉपरली. मिसेस फिट्जेराल्ड कहती है कि हो सकता है वो जान के आपके साथ ऐसा करते हैं और उनके लिए यही बेटर रहेगा कि अगर आप उन्हें ये समझा दें कि उन्हें आपको ढंग से ट्रीट करना होगा. मिसेस पियर्सन सेज येस, आई सपोज इट वुड इन अ वे. मिसेस पियर्सन कहती है कि हाँ, एक तरह से तो मुझे ऐसा करना ही चाहिए, मुझे उन्हें कहना चाहिए कि वो मुझे ठीक से ट्रीट करें. मिसेस फिट्जेराल्ड सेज नो डाउट अबाउट इट ऑल. हु इज़ द बेटर फॉर बींग स्पॉइल्ड ग्रोन मैन, लैड और गर्ल? नोबडी. You think it does them good when you run after them all the time, taking their orders as if you were the servant in the house, stay at home every night while they go out enjoying themselves? Never in all your life. Mrs. Fitzgerald कहती है कि इस बारे में कोई शक ही नहीं है, आपने अपने हस्बैंड को, अपने बेटे को और बेटी को बिगाड़ के रखा हुआ है. आप सारा दिन उनके पीछे पीछे घूमते रहते हो, वो जो भी ऑर्डर्स देते हैं उनका वो ऑर्डर काम करते हो जैसे कि आप इस घर के नौकर हो, और आप सारी रात, हर रात को घर पर रहते हो और वो सब लोग बाहर घूमने जाते हैं, अपने आप को इंजॉय करते हैं, लेकिन आप कभी भी नहीं जाते. तो कहती है कि आपको इन सब चीज़ों को अपोज करना पड़ेगा. फर्दर वो कहती है, इट्स द रूइन ऑफ देम एज वेल एज यू. हस्बैंड्स, सन्स, डॉटर्स शुड बी टेकिंग नोटिस ऑफ वाइव्स एंड मदर्स, नॉट गिविंग देम ऑर्डर्स एंड ट्रीटिंग देम लाइक डर्ट. एंड डोंट टेल मी यू डोंट नो व्हाट आई मीन, फॉर आई नो मोर देन यू टोल्ड मी. रूइन मीन्स किसी चीज़ को डिस्ट्रॉय करना. तो मिसेस फिट्जेराल्ड कहती है कि अगर आप उनको ये नहीं समझा रहे कि आपके भी कुछ हक हैं, आपके भी कुछ अधिकार हैं, तो आप अपने आप को भी और अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर रही हैं. फर्दर वो कहती है कि आपकी फैमिली, जो आपके सन्स, हस्बैंड्स और डॉटर्स हैं, उन्हें आपको एक वाइफ और मदर की तरह ट्रीट करना चाहिए, ना कि एक डर्ट के पीस की तरह, ना कि एक ऐसे ऑब्जेक्ट की तरह जिससे वो काम कराते हैं और फिर चले जाते हैं. और फिर वो कहती है कि ऐसे मत कहना मुझे कि आप मेरी बात समझ नहीं पा रहे. और वो कहती है कि मुझे आपसे भी ज़्यादा पता है कि आपकी हालत क्या है. तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, मिसेस फिट्जेराल्ड मिसेस पियर्सन को इंसाइट कर रही है, उसे रियलाइज़ करवा रही है कि उसके भी कुछ राइट्स हैं और उसे अपने राइट्स के लिए बोलना चाहिए. Mrs. Pearson says dubiously, I keep dropping a hint. Now dubiously means hesitatingly, doubtfully. वो बड़ी ही रुकते रुकते से बोलती है कि मैं हिंट तो देती रहती हूँ उनको, मैं उनको कभी कभी अपनी बातचीत में ये इंडिकेशन, ये हिंट देती हूँ कि मेरे भी कुछ अधिकार हैं, मेरी भी कोई मर्जी हो सकती है. Mrs. Fitzgerald says hint, it's more than hints your family needs, Mrs. Pearson. वो कहती है कि तुम्हारी फैमिली को हिंट्स नहीं चाहिए, उनसे कुछ ज़्यादा चाहिए, क्योंकि हिंट देने से उन पर कोई असर ही नहीं पड़ रहा, वो फिर भी वैसे ही हैं. मिसेस पियर्सन अगेन सेज ड्यूबियसली, आई सपोज इट इज़, बट आई डू हेट एनी अनप्लेजेंटनेस एंड इट्स सो हार्ड टू नो वेयर टू स्टार्ट. आई कीप मेकिंग अप माई माइंड टू हैव इट आउट विद देम, बट सम हाउ आई डोंट नो हाउ टू बिगिन. शी ग्लांसेज एट अ वॉच और एट अ क्लॉक. Oh, good gracious, look at the time. Nothing ready and they'll be home any minute and probably all in a hurry to go out again. Again, Mrs. Pearson doubtfully बोलती है और वो कहती है कि हाँ, आपकी बात सही है, लेकिन मुझे unpleasantness पसंद नहीं है और मुझे ये भी नहीं समझ में आता कि मैं कहाँ से बोलना शुरू करूँ.
फिर वो कहती है कि बार बार मैं फैसला तो करती हूँ, मैं डिसीजन तो लेती हूँ कि मैं उनके साथ ये चीज़ डिस्कस करूँगी। टू हैव इट आउट विद देम मीन्स टू डिस्कस इट विद देम, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं शुरू कैसे करूँ, बात करनी शुरू कैसे करूँ। फिर मिसेस पियर्सन अपनी वॉच या फिर घड़ी जो दीवार पे लगी है उसकी तरफ देखती है और कहती है, हे भगवान, टाइम तो देखो, सब लोग आने वाले हैं और मैंने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया। और जैसे ही वो लोग आएंगे, वो एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं उन्हें कुछ खाने के लिए दूँ और फिर उन्होंने फिर से कहीं बाहर जाना होगा। तो उसे चिंता लग जाती है जब वो टाइम देखती है। एज शी इज़ अबाउट टू राइज, मिसेस फिट्ज़जेराल्ड रीचेज आउट अक्रॉस द टेबल एंड पुल्स हर डाउन। तो जैसे ही वो खड़ी होने वाली होती है, उसकी नेबर उसे खींच कर फिर से वापस चेयर पे बिठा लेती है। एंड देन शी सेज, लेट देम वेट और लुक आफ्टर देम सेल्स फॉर नाउ। इट्स इज़ वेयर योर फुट दिस इज़ वेयर योर फुट गोज डाउन, स्टार्ट नाउ। शी लाइट्स अ सिगरेट फ्रॉम द वन शी हैज़ जस्ट फिनिश्ड। तो वो कहती है कि उन्हें वेट करने दो या फिर उन्हें खुद की केयर करने दो, यानी कि उन्हें खुद के लिए जो भी खाना पीना है वो बनाने दो। और फिर वो कहती है, दिस इज़ वेयर योर फुट गोज़ डाउन। फुट गोज़ डाउन मीन्स नाउ यू हैव टू टेक अ डिसीजन, और अभी से आप ये डिसीजन ले लेंगी। और वो डिसीजन ये है कि अब आप जाकर किसी के लिए कोई काम नहीं करेंगी, वो सब अपना काम खुद से करेंगे। और फिर वो एक और सिगरेट जला लेती है। जो सिगरेट उसने अभी अभी ख़त्म की है, उसी से वो एक न्यू सिगरेट जला लेती है। तो वो कंटिन्यूसली स्मोक कर रही है। मिसेस पियर्सन सेज एम्बेरस्ड, मिसेस फिट्ज़जेराल्ड, आई नो यू मीन वेल, इन फैक्ट आई एग्री विद यू, बट आई जस्ट कांट एंड इट्स नो यूज़ यू ट्राइंग टू मेक मी। नाउ मिसेस पियर्सन इज़ एम्बेरस्ड एंड शी सेज, मिसेस फिट्ज़जेराल्ड, आई नो यू मीन वेल, इन फैक्ट आई अग्री विद यू, बट आई जस्ट कांट एंड इट्स नो यूज़ यू ट्राइंग टू मेक मी। इफ़ आई प्रोमिस यू आई रियली हैव इट आउट विद देम, आई नो आई वुडन्ट बी एबल टू कीप माई प्रोमिस। एंड मिसेस फिट्ज़जेराल्ड रिप्लाइज, देन लेट मी डू इट। अब मिसेस पियर्सन बहुत ही एम्बेरस्ड फील करती है और वो उन्हें कहती है कि मुझे पता है कि आप मेरा अच्छा चाहते हो, मैं आपसे एग्री भी करती हूँ, लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकती। और आप अगर मुझे समझाने की कोशिश भी करें तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आई रियली हैव इट आउट विद देम मीन्स इफ़ आई विल डिस्कस दिस थिंग विद देम। वो कहती है कि अगर मैं अपनी फैमिली के साथ ये मैटर डिस्कस भी करूँगी तो मुझे पता है कि मैं अपना फैसला कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। अगर मैं आपसे प्रॉमिस कर भी दूं तो भी मैं उसे पूरा नहीं कर पाऊंगी। तो उसकी नेबर कहती है कि ठीक है, आप मत करो, मुझे करने दो। मिसेस पियर्सन इज़ फ्लस्टर्ड, ओ नो, थैंक यू वेरी मच मिसेस फिट्ज़जेराल्ड, बट दैट वुडन्ट डू एट ऑल। फ्लस्टर्ड मीन्स शी इज़ कन्फ्यूज्ड। वो कन्फ्यूज़ हो जाती है और कहती है, नहीं नहीं आप ऐसा मत करो, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। It couldn't possibly somebody else. They'd resent it at once and wouldn't listen, and really I couldn't blame them. I know I ought to do it, but you see how it is. She looks apologetically across the table, smiling rather miserably. Miserably means sadly. Resent it means to oppose something. किसी चीज़ का opposition करना, उसके against जाना। तो वो कहती है कि कोई और तो मेरे बिहाफ पे मेरी फैमिली से बात कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो इसे अपोज करेंगे और आपको सुनेंगे भी नहीं, और मैं उनको ब्लेम नहीं कर सकती क्योंकि मेरे बिहाफ पे मुझे ही करना पड़ेगा। और फिर वो कहती है कि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है। तो आपको पता लग गया कि सिचुएशन क्या है। और फिर वो बड़ी ही दुखी वे में उनको देखती है। मिसेस फिट्ज़जेराल्ड से स्कूलली, You haven't got the idea. Mrs. Pearson is bewildered. Oh, I'm sorry. I thought you asked me to let you do it. Mrs. Fitzgerald says, I did, but not as me, as you. Mrs. Pearson says, but I don't understand. You couldn't be me. तो मिसेस फिट्ज़जेराल्ड कहती है कि आप मेरी बात को समझे नहीं। यू हैवन गॉट द आइडिया मीन्स आप मेरे आइडिया को, जो मैंने प्लान आपको बताया है, आप उसे समझ नहीं पाए। तो मिसेस पियर्सन बिविल्डर्ड है। बिविल्डर्ड मीन्स वो कंफ्यूज्ड है, पजल्ड है। वो कहती है, ओ आई एम सॉरी, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि आप ये कह रहे हैं कि आप मेरे बिहाफ पे मेरी फैमिली से बात करना चाहते हैं। तभी आपने कहा लेट मी डू इट।
मिसेस फिट्जेराल्ड कहती है, हाँ मैंने यही कहा था, लेकिन मैं अपनी तरह अपने आप से, यानी कि मिसेस फिट्जेराल्ड बन के नहीं लेकिन मिसेस पियर्सन बन के आपकी फैमिली से बात करूंगी। तो मिसेस फिट्जेराल्ड उन्हें कह रही है कि मैं मिसेस पियर्सन बन जाऊंगी और फिर मैं आपकी फैमिली से बात करूंगी। मिसेस पियर्सन कहती है, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, यू कुडन बी मी। वो कहती है, लेकिन आप मैं कैसे बन जाओगे, मीन्स मिसेस फिट्जेराल्ड तो मिसेस फिट्जेराल्ड है, वो पियर्सन कैसे बन जाएगी, ये चीज़ उनको समझ नहीं आ रही। मिसेस फिट्जेराल्ड अगेन सेज कूलली, वी चेंज प्लेसेस और रियली बॉडीज, यू लुक लाइक मी, आई लुक लाइक यू। मिसेस पियर्सन सेज, बट दैट्स इम्पॉसिबल। मिसेस फिट्जेराल्ड सेड, हाउ डू यू नो, एवर ट्राइड इट। मिसेस पियर्सन सेज, नो ऑफ कोर्स नॉट। तो मिसेस फिट्जेराल्ड क्या कहती है कि हम बॉडीज बदल लेते हैं, यानी कि वो अपनी बॉडीज, उनकी जो सोल है वो बॉडीज को इंटर एक्सचेंज कर लेंगी। तो मिसेस फिट्जेराल्ड की आत्मा मिसेस पियर्सन के अंदर चली जाएगी और मिसेस पियर्सन की आत्मा फिट्जेराल्ड के अंदर चली जाएगी। तो मिसेस पियर्सन को ये चीज़ इम्पॉसिबल लगती है और वो फिट्जेराल्ड कहती है, आपको कैसे पता कि आपने कभी ट्राई किया है। तो मिसेस पियर्सन कहती है, नहीं मैंने ऐसा कभी ट्राई नहीं किया। तो मिसेस फिट्जेराल्ड बड़ी ही कूलली कहती है, आई हैव, नॉट फॉर सम टाइम बट इट स्टिल ऑट टू वर्क, वोंट लास्ट लॉन्ग बट लॉन्ग इनफ फॉर वॉट वी वॉन्ट टू डू। वो कहती है कि मैंने ये चीज़ ट्राई की है, ज़्यादा देर के लिए नहीं लेकिन सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही हम ऐसा कर सकते हैं, हम अपनी बॉडीज़ को इंटर एक्सचेंज कर सकते हैं और उतनी थोड़ी देर में ही मैं अपना काम पूरा कर दूंगी, यानी कि आपकी फैमिली को सेट कर दूंगी और उन्हें समझा दूंगी कि उन्हें क्या करना चाहिए। फादर वो कहती है, लर्न इट आउट ईस्ट ऑफ कोर्स, वे देयर अप टू ऑल दीज ट्रिक्स। शी होल्ड्स हर हैंड आउट अक्रॉस द टेबल, कीपिंग द सिगरेट इन हर माउथ, गिव मी योर हैंड्स डियर। फर्दर वो कहती है कि मैंने ये चीज़ भी ईस्ट में जब मैं थी वहाँ पर ही सीखी थी, वहाँ पे वो इस तरह के ट्रिक्स करते रहते हैं। फिर वो अपने हाथों को बाहर की तरफ एक्सटेंड करती है, सिगरेट उसके मुंह में ही होती है और वो पियर्सन को कहती है कि मुझे अपने हाथ दे दो। मिसेस पियर्सन डूबियसली, वेल आई डोंट नो, इज इट राइट। डूबियसली मीन्स डाउटफुल। तो मिसेस पियर्सन फिर से डाउटफुल है, वो कहती है मुझे नहीं पता लेकिन क्या ये सही है। मिसेस फिट्जेराल्ड रिप्लाइज, इट्स योर ओनली चांस, गिव मी योर हैंड्स एंड कीप क्वाइट अ मिनट। वो कहती है कि ये आपका ओनली चांस है, आपके पास और कोई वे आउट नहीं है, इसलिए मुझे अपने हाथ दे दो और एक मिनट के लिए चुप रहो। फर्दर वो कहती है, जस्ट डोंट थिंक अबाउट एनी थिंग, देन टेकिंग हर हैंड्स, नाउ लुक एट मी, दे स्टेयर एट ईच अदर मटरिंग, अष्टाटा डम अष्टाटा, आई एम अष्टाटा लैमडम बोना। तो अब मिसेस फिट्जेराल्ड मिसेस पियर्सन के हाथ ले लेती है और उसे आंखों ही आंखों में दोनों एक दूसरे को देखती हैं। दे आर स्टेयरिंग एट ईच अदर, दैट मीन्स लुकिंग इंटेंटली एट ईच अदर। और फिर मिसेस फिट्जेराल्ड ये कोई मंत्र टाइप के वर्ड्स बोलती है, दिस लिटल सीन शुड बी एक्टेड वेरी केयरफुली, वी आर टू अज्यूम दैट द पर्सनैलिटीज चेंज बॉडीज, आफ्टर द स्पेल हैज़ बीन स्पोकन, बोथ वुमेन स्टिल ग्रैस्पिंग हैंड्स गो लैक्स एज इफ द लाइफ वर आउट ऑफ देम, देन बोथ कम टू लाइफ बट विद द पर्सनैलिटी ऑफ द अदर। गो लैक्स मीन्स टू रिलैक्स, टू लूजन आउट। अब यहाँ पर भी इंस्ट्रक्शंस है कि अगर कोई इस प्ले को इनैक्ट कर रहा है तो ये जो सीन है ये बहुत ही ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि इस सीन में क्या दिखा रहे हैं कि उन दोनों की जो पर्सनालिटीज़ हैं, उनकी जो सोल्स हैं, वो एक्सचेंज कर रही हैं बॉडीज़, और ये जो स्पेल है ये बोलने के बाद क्या होता है, दोनों ने अपने हाथ, दोनों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े हुए हैं लेकिन दोनों एकदम से रिलैक्स हो जाती हैं, ऐसे लगता है कि उनमें से लाइफ निकल गई है और फिर एकदम से वो फिर से वापस जिंदा हो जाती हैं, लेकिन दोनों की पर्सनालिटीज़ ऑपोजिट हो जाती हैं। तो मिसेस पियर्सन की पर्सनालिटी मिसेस फिट्जेराल्ड जैसी हो जाती है और मिसेस फिट्जेराल्ड की पर्सनालिटी मिसेस पियर्सन जैसी हो जाती है। ईच मस्ट ट्राई टू अडॉप्ट द वॉइस एंड मैनरिज्म्स ऑफ द अदर। सो नाउ मिसेस पियर्सन इज़ बोल्ड एंड डोमिनेटिंग एंड मिसेस फिट्जेराल्ड इज़ नर्वस एंड फ्लटरिंग।
तो अब जैसे कि दोनों की सोल्स एक्सचेंज हो गई हैं, तो उनकी पर्सनालिटीज़, उनकी आवाज़, उनकी मैनर्स भी चेंज हो गई हैं। अब मिसेस पियर्सन का कैरेक्टर बोल्ड और डोमिनेटिंग बन गया है और फिट्ज़जेराल्ड का कैरेक्टर नर्वस और फ्लटरिंग हो गया है। मिसेस पियर्सन सेज, नाउ विद मिसेस फिट्ज़जेराल्ड्स पर्सनैलिटी, सी व्हाट आई मीन डियर, शी नोटिसेस द सिगरेट हियर, यू डोंट वांट दैट, शी स्नैचेज इट एंड पुट्स इट इन हर ओन माउथ पफिंग कंटेंटेडली। अब मिसेस पियर्सन, जिसमें फिट्ज़जेराल्ड की पर्सनैलिटी आ गई है, वो कहती है देखा ये मेरा मतलब था, और फिर वो सिगरेट अपने मुंह में डाल लेती है और बड़े आराम से सिगरेट स्मोक करती है। मिसेस फिट्ज़जेराल्ड, नाउ विद मिसेस पियर्सन्स पर्सनैलिटी, लुक्स डाउन एट हर सेल्फ एंड सीज दैट हर बॉडी हैज़ चेंज्ड एंड गिव्स अ स्क्रीम ऑफ फ्राइट। अब बेचारी मिसेस पियर्सन, जो फिट्ज़जेराल्ड के अंदर चली गई है, वो अपनी बॉडी में चेंज देखकर शॉक हो जाती है और चिल्लाने लग जाती है। एंड देन वो क्या कहती है मिसेस फिट्ज़जेराल्ड, जिसके अंदर मिसेस पियर्सन चली गई है, ओह इट्स हैपेंड, वो चिल्लाने के बाद कहती है कि अरे ये तो सच में ऐसा ही हो गया है। एंड मिसेस पियर्सन रिप्लाइज कम्प्लेसेंटली, ऑफ कोर्स इट्स हैपेंड, वेरी नीट, डिडंट नो आई हैड इट इन मी। कम्प्लेसेंटली मीन्स टू बी सेल्फ सैटिस्फाइड। तो मिसेस पियर्सन अपनी काम पर बहुत सेटिस्फाइड है कि हाँ उसका काम सक्सेसफुल था, और वो कहती है कि हाँ ऑफ कोर्स ये हो गया है, और वो कहती है वेरी नीट, यानी कि बड़े आराम से मैंने ये कर लिया और मुझे भी नहीं पता था कि मैं ये इतने अच्छे से कर पाऊंगी। मिसेस फिट्ज़जेराल्ड इज अलार्म्ड, बट वट एवर शैल आई डू मिसेस फिट्ज़जेराल्ड, जॉर्ज एंड द चिल्ड्रन कांट सी मी लाइक दिस। अलार्म्ड मीन्स स्कैर्ड। तो मिसेस पियर्सन कहती है कि मैं क्या करूँ, जॉर्ज और बच्चे मुझे ऐसा नहीं देख सकते, वो बेचारे हैरान हो जाएंगे कि मुझे क्या हो गया है। एंड देन मिसेस पियर्सन सेज ग्रिमली, मीन्स सीरियसली, दे आर गोइंग टू, दैट्स द पॉइंट, दे'ल हैव मी टू डील विद, ओनली दे वोंट नो इट। तो अब मिसेस फिट्ज़जेराल्ड की पर्सनैलिटी जो मिसेस पियर्सन के अंदर है, वो कहती है कि यही तो बात है, उन्हें मेरा सामना करना पड़ेगा, इसलिए उन्हें पता भी नहीं चलेगा कि उनकी मदर के अंदर कोई और है। मिसेस फिट्ज़जेराल्ड स्टिल अलार्म्ड, बट वॉट इफ वी कांट चेंज बैक, इट वुड बी टेरिबल। मिसेस पियर्सन, हियर स्टेडी मिसेस पियर्सन, इफ यू हैव टू लिव माई लाइफ इट वुडन्ट बी सो बैड, यू'd have more fun as me than you've had as you. तो फिट्ज़जेराल्ड अभी भी हैरान है, अभी भी स्कैर्ड है, वो कहती है कि अगर हम वापस अपनी अपनी पर्सनैलिटीज़ में ना जा पाए तो क्या होगा, ये तो बहुत ही बुरी बात हो जाएगी। तो फिट्ज़जेराल्ड की पर्सनैलिटी मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी को कहती है रिलैक्स रिलैक्स, और वो कहती है कि आप मेरी ज़िंदगी भी जी सकते हो, इतनी बुरी नहीं है मेरी ज़िंदगी, और आप मेरी ज़िंदगी जी के ज़्यादा फन कर पाओगी रादर देन जो आप अपनी ज़िंदगी में करती थी। मिसेस फिट्ज़जेराल्ड, यस बट आई डोंट वांट टू बी एनीबॉडी एल्स, तो कहती है कि लेकिन मैं किसी और की तरह जीना नहीं चाहती। एंड मिसेस पियर्सन सेज, नाउ स्टॉप वरिंग, इट्स ईजियर चेंजिंग बैक, आई कैन डू इट एनी टाइम वी वॉन्ट। तो कहती है कि घबराओ मत, डरो मत, मैं बड़े आराम से जब हम चाहें तब वापस से अपनी पर्सनालिटीज़ को चेंज कर सकती हूँ। वेल डू इट नाउ, तो कहती है अभी के अभी चेंज करो। मिसेस पियर्सन सेज, नॉट लाइकली, आई हैव गॉट टू डील विद योर फैमिली फर्स्ट, दैट्स द आइडिया इज़न्ट इट, डिडंट नो हाउ टू बिगिन विद देम, यू सेड वेल आई'ल शो यू। तो मिसेस फिट्ज़जेराल्ड की पर्सनैलिटी कहती है कि अभी मैं वापस से पर्सनैलिटीज़ को चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि पहले मुझे आपकी फैमिली के साथ डील करना है, और यही इसी वजह से तो मैंने पर्सनैलिटीज़ चेंज की थी। और वो कहती है कि आपको नहीं पता था कि किस तरह से शुरू करना है, तो अब मैं आपको दिखाऊँगी कैसे उनको डील करना है। मिसेस फिट्ज़जेराल्ड सेज, बट वट एम आई गोइंग टू डू, तो वो पूछती है कि मैं क्या करूँ। मिसेस पियर्सन रिप्लाइज, गो इन टू माई हाउस फॉर अ बिट, There's nobody there. Then pop back and see how we're doing. You ought to enjoy it. Better get off now before anyone of them comes. Get off now means better go now. तो मिसेस फिट्ज़जेराल्ड यानी कि पियर्सन की पर्सनैलिटी ये पूछती है कि अब मैं क्या करूँ। तो फिट्ज़जेराल्ड की पर्सनैलिटी उन्हें कहती है कि जाओ आप मेरे घर में चले जाओ थोड़ी देर के लिए, वहाँ पर कोई भी नहीं है, और फिर
पॉप बैक यानी कि रिटर्न करना और देखना कि हम क्या कर रहे हैं। और फिर वो कहती है कि आप इस सब चीज़ को इंजॉय करो और अभी जल्दी से चले जाओ इससे पहले कि आपकी फैमिली में से कोई आ जाए। मिसेस फिट्जेराल्ड नर्वसली राइजिंग, येस आई सपोज दैट्स बेस्ट, यू आर श्योर इट विल बी ऑल राइट। अब मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी घबराई हुई है, वो घबराते हुए खड़ी हो जाती है और कहती है कि हाँ ठीक है, यही ठीक रहेगा। और फिर वो उससे पूछती है कि क्या आपका ये मानना है, आर यू श्योर कि सब कुछ ठीक रहेगा। तो मिसेस फिट्जेराल्ड की पर्सनैलिटी हंसते हुए कहती है, इट विल बी वंडरफुल, नाउ ऑफ यू गो डियर। तो कहती है कि बहुत ही अच्छा होगा, अब आप चले जाओ। मिसेस फिट्जेराल्ड क्रॉसेज एंड हरेज आउट थ्रू द डोर राइट। लेफ्ट टू हरसेल्फ, मिसेस पियर्सन स्मोक्स अवे, लाइटिंग अनदर सिगरेट एंड बिगिंस लेइंग आउट द कार्ड्स फॉर पेशेंस ऑन द टेबल। अब जो मिसेस पियर्सन की पर्सनैलिटी वाली मिसेस फिट्जेराल्ड है, वो रूम को क्रॉस करके राइट वाले दरवाजे से बाहर चली जाती है। और जब मिसेस पियर्सन, जो मिसेस फिट्जेराल्ड की पर्सनैलिटी है, वो अकेली रह जाती है, तो वो एक और सिगरेट जला लेती है और अपने फॉर्चून कार्ड्स को टेबल पर रखने लग जाती है। एंड विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ पार्ट वन ऑफ दिस चैप्टर। वील कॉन्टिन्यू द प्ले इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, डू हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर वीडियोज़ डू सब्सक्राइब टू द इंग्लिश अकेडमी।